बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोकनायक थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें मुंडा विद्रोह में उनके नेतृत्व के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिसे उलगुलान या तमर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यहां बिरसा मुंडा की संक्षिप्त जीवनी दी गई है। प्रारंभिक जीवन। तथ्य नंबर एक, बिरसा मुंडा का जन्म 15 जून 1875 को उलिहातू, बिहार, ब्रिटिश भारत, अब झारखंड, भारत में हुआ था। तथ्य नंबर दो, बिरसा भारत के आदिवासी समुदाय मुंडा जनजाति से थे। नेतृत्व और उलगुलान। तथ्य नंबर तीन, बिरसा मुंडा आदिवासी समुदायों के अधिकारों की वकालत करने वाले एक नेता के रूप में उभरे, जो ब्रिटिश शासन के तहत उत्पीड़न और शोषण का सामना कर रहे थे। तथ्य नंबर चार, बिरसा ने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य मुंडा लोगों को ब्रिटिश सरकार और जमींदारों की दमनकारी नीतियों से मुक्त कराना था। तथ्य नंबर पांच, बिरसा ने बिरसाइत नामक एक धार्मिक आंदोलन भी शुरू किया, जिसमें पारंपरिक पूजा के एक रूप पर जोर दिया गया और बाहरी प्रभावों के खिलाफ मुंडा लोगों को एकजुट करने की कोशिश की गई। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। तथ्य नंबर छह, मुंडा विद्रोह, जिसे तमाड़ विद्रोह भी कहा जाता है, 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में भड़का। तथ्य नंबर सात, विद्रोहियों ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति का उपयोग करते हुए सरकारी कार्यालयों और रेलवे स्टेशनों सहित सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया। तथ्य नंबर आठ, बिरसा मुंडा को 1900 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 9 जून 1900 को विवादित परिस्थितियों में ब्रिटिश हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ स्रोतों का कहना है कि उन्होंने बीमारी के कारण दम तोड़ दिया, जबकि अन्य का कहना है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। परंपरा। तथ्य नंबर नौ, बिरसा मुंडा को एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है, जो आदिवासी समुदायों के शोषण के खिलाफ खड़े हुए थे। तथ्य नंबर 10, बिरसा मुंडा एक सांस्कृतिक प्रतीक और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है, खासकर झारखंड में और आदिवासी समुदायों के बीच। तथ्य नंबर 11, बिरसा मुंडा के बलिदान और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को प्रतिवर्ष 15 जून को मनाई जाने वाली बिरसा जयंती पर याद किया जाता है। मान्यता एवं सम्मान। तथ्य नंबर 12, 2000 में बिहार से अलग होकर बने झारखंड राज्य ने बिरसा मुंडा के महत्व को देखते हुए उनके नाम पर विभिन्न संस्थानों, सड़कों और स्थलों का नाम रखा है। तथ्य नंबर 13, सिंदरी झारखंड में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। बिरसा मुंडा की विरासत स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका से आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक सांस्कृतिक और आदिवासी नायक के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे ही अच्छे अच्छे जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कर दीजिएगा।